कराची डीएचएस से राह चलती लड़की इकबाल, कार सवार मुलजमान निहारिस को गोली मार दी। दुआ को जबरदस्ती साथ ले गए आईजी के नोटिस, एसएसपी साउथ से रिपोर्ट तलब। कराची में सर्दी बढ़ते ही गैस का बहरान, मलीर जाफर तैयार। नॉर्थ नजीमाबाद, बल्दिया और रंगी टाउन समेत कई इलाके मुतासर। सनती जोन को आज सप्लाई बंद, सीएनजी स्टेशन पर भी पीर बुध जुमे को फ्राहमी मुअत्तल रहेगी। हुकूमत का गरीब आवाम पर बहुत बड़ा एहसान, पेट्रोल पूरे 25 पैसे सस्ता कर दिया। मट्टी का तेल भी 83 पैसे सस्ता, पेट्रोल की नई कीमत 113 रुपए 99 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 40 पैसे कम होकर 125 रुपए 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हालत मजीद खराब, दिल की तकलीफ बढ़ गई, वजन भी बदस्तूर कम हो रहा है। अहम टेस्ट किए गए, ना ही जाती मुआलिज तक रसाई दी जा रही है। मियां नवाज शरीफ के मर्ज की तशखीस ताहाल ना हो सकी, डॉक्टर्स को पीईटी स्कैन की रिपोर्ट का इंतजार। पाकिस्तान के बाद बरतानवी डॉक्टर्स ने साबिक वजीर आसिफ की सेहत गैर तसली बख्श करार दे दी। प्लेटलेट्स गिरने से थ्रोमोसाइटोपिनिया का खदशा बढ़ गया। वजीर आजम के फिर ऑपोजिशन पर लफ्जी वार, कहा माफिया मुसलसल हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। फजल रहमान डीजल के परमिट फतह करने इस्लामाबाद आए थे। बिलावल पर फिर पानी आता है कहकर तंज, पंजाब में जल्द बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, इमरान खान का दावा। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी हुकूमत को करारा जवाब, बोले हुकूमत से जान छुड़ाना होगी। पाकिस्तान मजीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिनसे एक नोटिफिकेशन नहीं बन सका वो ऐवान में कैसे इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। सियाचिन में भारतीय फौज की गाड़ी पर बर्फानी तोड़ा गिर गया, दो अहलकार हलाक। और सिंधी सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है, सूबे के बासी सिंधी टोपी और अजरक के रंगों में रंग गए। खुशी से झूमते गाते सिंध के सपूतों की खुशियां दी, हर तरफ अम और मोहब्बत का पैगाम।